नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं अक्षय आनंद। पूरे बिहार में झमाझम बारिश हो रही है, कई इलाकों के तो हाल बेहाल हो रहे हैं। इस बीच तस्वीरें गया से हैं, गया में भी लगातार बारिश हुई है, रेल यातायात ठप हो गया है। उमा भारती गया पहुंची हैं, गया की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। पितृपक्ष मेला चल रहा है जब उमा भारती गया पहुंची और पिंड दान किया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा की वरिष्ठ नेत्री उमा भारती गया में हैं और उन्होंने विष्णुपद मंदिर के प्रांगण में अपने पितरों की मोक्ष की प्राप्ति के लिए पिंडदान किया। इस दौरान उनके साथ उनके कई परिजन भी मौजूद रहे। उनके आगमन को लेकर सुरक्षा के भी कड़े प्रबंध किए गए थे। उमा भारती सीधे विष्णुपद मंदिर के प्रांगण में पहुंची, जहां स्थित स्थानीय पंडित जी के द्वारा पूजा को पूरे विधि विधान के साथ की कराया गया और पिंडदान भी करवाया गया है। इसके बाद उन्होंने पवित्र मोक्षदायिनी फल्गु नदी के तट पर तर्पण किया। फिर उन्होंने विष्णुपद मंदिर के गर्भगृह में स्थित परिक्रमा करते हुए पिंड को अर्पित किया। इसके बाद वे वापस लौट गई। इस दौरान उन्होंने मीडिया से कुछ खास बातचीत नहीं की और जो पिंडदान वो करने आई थी उसी कार्यक्रम में लगी रही। आप तस्वीरें अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये तस्वीरें गया से हैं और उमा भारती गया पहुंची थी, पिंडदान किया, फल्गु के तट पर भी गई और उसके बाद कार्यक्रम खत्म हुआ और वह वापस अभी लौट रही हैं। बहरहाल यह तस्वीरें सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं, गया से हमारे सहयोगी ने आप तक यह तस्वीरें पहुँचाई हैं और ये तस्वीरें गया की हैं। जब उमा भारती पहुंची थी तो उनको उनके आगमन से जो व्यवस्था है वो भी कड़ी कर दी गई थी और सुरक्षाकर्मी जो है वो उनके साथ तैनात थे। मीडिया से दूरी बनाई रही मगर पिंडदान का जो कार्यक्रम है उसे पूरा किया और उसके बाद वापस गया को लौट गई हैं। तस्वीरें आप देखिए। बिहार से जुड़े हर अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बारिश को लेकर जो हाई अलर्ट है उस पर कई सारे वीडियोस आप हमारे YouTube चैनल पर देख सकते हैं। आज पटना के जो हालात है, किस कदर पटना डूबा है, उसके भी वीडियोस आपको मिल जाएंगे। आप हमारे साथ बने रहें। अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी दबा दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।